वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज के बाद एक और T20 और चार मैचेस पे मुश्तमिल होगी ये सीरीज। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है तैमूर अली और अमार सैयद, जो कि डिस्कस करेंगे 11 पे, टीम कॉम्बिनेशन पे और बैटिंग स्ट्रेंथ पे, दोनों टीम्स की बॉलिंग स्ट्रेंथ पे और किसका मैच में परला भारी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। और तैमूर, पाकिस्तान ऑन पेपर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रीजन बीइंग रिसेंटली साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर ओडीआई सीरीज हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2-1 जीती, तीनों मैचेस काफी अच्छे गए, लेकिन T20 कहते हैं कि डिफरेंट बॉल गेम है, शॉर्टर फॉर्मेट है और एक प्लेयर भी कोई अगर स्टिक कर गया तो चांसेस ज्यादा है। और अब साउथ अफ्रीका टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर रहा है, तो शॉट्स के इतना डिफरेंट होगा ओडीआई से और साउथ अफ्रीका को लाइट ले सकता है पाकिस्तान? वालेकुम अस्सलाम कासिम, बिल्कुल ठीक आपने सही बात की है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कुछ कहा नहीं जाता, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हार्ड हिटिंग गेम है। जो भी बैट्समैन अच्छा चल जाए एक टीम का भी, तो वो एक टीम को बहुत अच्छा, दूसरी टीम के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। दूसरा मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्योंकि अभी रिसेंटली PSL भी खेला हुआ है, तो T20 में थोड़ा सा उनका जो पूरा फॉर्मेट है, पूरा सेटअप है, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। कुछ हमारे पास प्लेयर्स हैं जैसे कि मोहम्मद रिजवान T20 में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑल्दो उन्होंने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन छोटा फॉर्मेट है, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। आपको पता होता है कि मैंने जाते ही साथ ही एक थोड़ी सी अच्छी रन रेट बनाना है और इस फॉर्मेट में थोड़ा सा बंदा थोड़ा प्रेशर कम लेके खेलता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस है वो थोड़ी सी साउथ अफ्रीका से अच्छी है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, PSL उन्होंने खेला हुआ है और T20 फॉर्मेट में उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका जैसे आई थी पाकिस्तान में उनको हराया भी हुआ है और स्क्वाड भी पाकिस्तान का अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। ऑल्दो आई डिसएग्री विद मोहम्मद रिजवान एंड बाबर बैटिंग एट टॉप ऑर्डर, शर्जील को मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए था इन, लेकिन हैदर अली इज ऑल्सो गुड एडिशन, वो भी टीम के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल ठीक होता है। मैं आपकी तरफ आऊंगा, अगर मोराल की बात की जाए साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स, IPL भी हमने वनडे में बात की के खेलने चले गए और उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा मेकशिफ्ट हुए उनकी टीम में, तो क्या समझते हैं प्लेइंग 11 जो उतारे हैं डेफिनेटली उनकी बेस्ट पॉसिबल 11 होगी जो उनकी मैनेजमेंट है वो, और सेकंडली उनका जो कैप्टन है बॉम्बर काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए, कैप्टनसी स्किल्स उनके काफी अच्छे नजर आए और थिंकिंग कैप्टन लग रहे थे, कितना इंपैक्ट पड़ेगा क्लासन की और उनकी कैप्टनसी पे और साउथ अफ्रीका बैकफुट पे जा सकता है इस चीज से, या वो पूरी बात के शॉर्टर फॉर्मेट है रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर खुलकर खेलेंगे? साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी अंडर प्रेशर है और काफी बैकफुट पे हुआ हुआ है, मतलब कि वो लोग मेरे ख्याल से प्रेशर हैंडलिंग टीम की इतनी अच्छी भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन अगेन मुझे वही फैक्टर नजर आ रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया ना अगर कोई एक आध प्लेयर, सिर्फ तब चांस हो सकता है साउथ अफ्रीका का, अदरवाइज चांस नहीं नजर आ रहा मुझे पाकिस्तान का ज्यादा, क्योंकि टॉस और पाकिस्तान के पास जो टीम है टॉस ऑलरेडी हो चुका है, साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद पीस की भी इंक्लूजन हुई है जो कि अपनी लाइफ की प्राइम फॉर्म पे चल रहे हैं और बड़ा ही कोई जबरदस्त कर रहे हैं लास्ट 6 to 8 months। तैमूर, कितना वाइटल होगा मोहम्मद हफीज का इस सीरीज में परफॉर्म करना और काफी टाइम बाद अब सीरीज के बाद इस स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, उनकी मिडिल ऑर्डर में कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी? बिल्कुल कासिम, मोहम्मद हफीज एक बहुत अच्छी एडिशन है पाकिस्तान के लिए, उनकी फॉर्म हमने सारों ने देखी थी PSL के मैचेस में, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हर मैच में उनका एक प्रोमिनेंट रोल होता था। तो मोहम्मद हफीज का ऑल्दो वो थोड़ा सा डिले आया, उनकी जो टीम में ऐड नहीं हुए थे वो वनडे में के स्क्वाड में एडेड नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से इन प्रैक्टिस होंगे, अभी PSL खेल के आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत वो रखते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी एडिशन है और उनपे काफी हद तक डिपेंड करेगी टीम। ऑल्दो बाबर और रिजवान से हमारी मेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो हमारे पास मोहम्मद हफीज एक बहुत अच्छी एडिशन है और उनपे भी मिडल ऑर्डर में काफी टीम डिपेंड कर सकती है। बिल्कुल सही हो गया। जहां तक हफीज की ऑलराउंडरशिप की बात है कि जैसे कैरियर स्टार्ट किया एज एन ऑलराउंडर, बाकी उनकी बॉलिंग पे काफी ज्यादा एक्शन सही नहीं है, तो पाकिस्तान काफी टाइम से उनको एज अ बॉलर यूज नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंडेड के लिए काफी अच्छा साबित होते हैं, हमने पास में भी देखा क्रिस गेल को भी काफी परेशान कर चुके हैं और हर
फीस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, तो क्या रीजन है? अब तो मेरे ख्याल से एक्शन क्लियर है, चांस मिला तो बाबर यूटिलाइज करेंगे इसको बीच के ओवर्स में, क्योंकि अब इमाद वसीम भी नहीं है, तो वी आर गोइंग विद उस्मान कादिर अलोंग विद मेरे ख्याल से एक और स्पिनर खिला रहे हैं, लेट मी चेक, नहीं स्पिनर में हमारे पास उस्मान कादिर है, उसके बाद हम चार पेसर्स के साथ जा रहे हैं, फहीम अशरफ भी मीडियम पेस करते हैं, तो सफीस की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई भी जवाब दे सकता है हफीज बॉलर तो अच्छा, बॉलर तो वो अच्छा है जाहिर है शुरू से, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ बॉलर तो वो अच्छा है शुरू से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसको यूज करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई एक्स्ट्रा ओवर करवाना हो तब उसी के लिए यूज करेंगे, अब एज ज्यादा हो गई है इस वजह से इतना ज्यादा यूज नहीं करते कुछ बॉलर्स को, कुछ ऑलराउंडर्स को एज अ बॉलर, एज की वजह से मेरे ख्याल से एज का फैक्टर होता है और कुछ। बिल्कुल कासिम, मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा कि हमारे पास स्पिनर्स में एक अच्छा ऑप्शन है मोहम्मद हफीज का, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को काफी वो परेशान कर सकते हैं, और अगर उनको बॉलिंग साइड पे यूज किया जाए तो ये काफी अच्छा साबित होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बैटिंग पे आते हैं, जिसमें हमने स्टार्ट पे बात की शजील खान को अंडर टीम किया गया, तो डू यू थिंक कि बाबर और फखर ओपन करेंगे या वही जो हमारा ट्रेंड अभी चल रहा था कि रिजवान को ये शॉर्टर फॉर्मेट पे ऊपर खिलाएंगे, ओडीएस में देखा गया रिजवान मिडल में आए, तो इस पे क्या कहेंगे तैमूर, रिजवान शुड बी ओपन तो नीचे ही खिलाएंगे फखर और बाबर ओपन करेंगे? वैसे मेरे ख्याल से तो अभी जो टीम सिलेक्शन हमने देखी है उसके लिहाज से बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ओपन अगर इन्होंने करवाना था रिजवान को ये टॉप ऑर्डर में ही रखते, क्योंकि पहले भी वो T20s में ओपन कर चुके हैं, और रिजवान के साथ बेटर ऑप्शन थी फखर जमान, क्योंकि एक राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन हो जाता, और दूसरा बाबर थोड़ा सा डाउन द ऑर्डर आते तो उनके पास थोड़ी सी इनिंग्स बिल्डअप करने का टाइम होता, फर्स्ट सिक्स ओवर जो पावर प्ले है उसमें रिजवान और फखर की अच्छी कंट्रीब्यूशन हो जाती, और उसके बाद अगर कोई आउट हो जाता है तो बाबर के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो आके इनिंग्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दें, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ये होनी चाहिए थी कि फखर और रिजवान से ओपन करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैंने बॉलिंग में एक स्पिनर में मिस कर गया था उस्मान कादिर के साथ मोहम्मद नवाज को भी इंडेक्ट किया है, जोड़िए का भी पार्ट थे, उमान अगर बॉलिंग पे आए तो स्टैंड चार ओवर्स के लिहाज से एक बॉलर ने करने होते हैं T20 में, यू हैव शाहीन अफरीदी, यू हैव हारिस रऊफ, यू हैव हसन अली, बड़ा तगड़ा स्क्वाड लग रहा है अगर बॉलिंग भी देखते हैं, शाहीन अफरीदी, हसन, इवन फहीम अशरफ, तो बड़ी ज्यादा ऑप्शन है बाबर के पास, किसको यूटिलाइज करे, कौन सा पाकिस्तान के लिए, वैसे तो शाहीन काफी टाइम से चल रहा है इस मैच के लिए क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग भी पहले कर रहा है, कौन सा बॉलर इफेक्टिव रह सकता है? हसन अली है मेरी नजर में, हसन अली बेस्ट बॉलर है इस वक्त, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफी पेसर्स भी हैं, दोस्त जा रहे हैं। बिल्कुल कासिम, बॉलिंग ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स भी हैं और प्रॉपर बॉलर्स भी हैं, और अच्छी बात होती है कि अगर आपके पास जैसे फोर ओवर्स की लिमिट है तो पांच बॉलर से ज्यादा अगर आपके पास ऑप्शन है तो दैट इज ऑलवेज बेटर, कि अगर कोई बॉलर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता यू कैन ऑलवेज रिप्लेस विद अनदर बॉलर, ये आपके पास एक होती है ऑप्शन अवेलेबल होती है, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, और जो मेन बॉलर्स जो देखने को मिलेंगे वो एक शाहीन अफरीदी और स्पिनर्स में उस्मान कादिर, ये दो एक अच्छे बॉलर्स देखने को मिलेंगे मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि पिछले मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी इनकी बॉल स्विंग काफी कर रही है उस्मान कादिर की, तो ये दो बॉलर डेंजरस साबित हो सकते हैं, और ये काफी अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास के वो छह सात बॉलर्स के साथ अपने जा रही है, तो कोई भी ट्राई कर सकती है, अगर कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको रिप्लेस कर सकती है किसी भी और बॉलर के साथ। मैं जो चीज कहना चाहूंगा ना वो ये कि स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करेगा पाकिस्तान, नवाज और उस्मान कादिर इन पे ज्यादा रिलाई करेगा देन द फास्ट बॉलर। ठीक हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है मैच में, मोहम्मद हफीज का ये 100th मैच होगा एज अ T20 क्रिकेटर, और आज फखर जमान की बर्थडे भी है, तो कैन वी एक्सपेक्ट सम स्लॉट फ्रॉम फखर जमान, क्योंकि साउथ अफ्रीका को वैसे धो चुके हैं वो ODIs में भी, तो अभी मैं कुछ फेसबुक पे चेक कर रहा था कि लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट भी कि फखर आज दोबारा अपना बल्ला चलाएंगे, क्या करना चाहिए? बिल्कुल कासिम, एक क्रिकेटर हमेशा ये चीजें अपने माइंड में रखता है, और फखर जमान थोड़ा सा
ज्यादा मोटिवेटेड भी होंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस से जो हमने ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस देखी है उनसे उनको अच्छा खासा बूस्ट मिला हुआ होगा, तो वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि अपने स्पेशल डे पे वो कुछ अच्छी स्पेशल परफॉर्मेंस दिखा के जाएं। चलें प्रेडिक्शन टाइम पे आते हैं, उससे पहले लास्ट क्वेश्चन अमार, क्या कहते हैं शजील खान को किस वजह से इंडक्ट नहीं किया होगा? फखर की जो फॉर्म लगी है उसकी वजह से वी हैव टू मेनी ओपनर्स, या मिसबा के माइंड में क्या है, या बाबर मतलब प्लेइंग 11? आई थिंक ही शुड बी द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, उसकी और ओडीआई में बात किया था कि काफी अच्छा हो सकता है, माइट बी सेकंड T20 का चांस मिले, लेकिन क्या रीजन है? नहीं, एक बात थी कि सबसे पहली बात, ओपनर्स जो है ना पाकिस्तान के दोनों बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं, रिजवान और बाबर आजम, ये दोनों लंबी इनिंग्स को बहुत लंबा लेके जा सकते हैं। उसके आगे जितने भी प्लेयर्स देखो ना, फखर जमान और हैदर अली, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हिटिंग कर सकते हैं किसी भी टाइम पे आके। तो और शर्जील की अगर बात की जाए तो शर्जील को इंडक्ट ना करने की कुछ तो रीजन जो न्यूज में है वो उनपे मैं नहीं जाता, लेकिन ये है कि शजील को अभी इंडक्ट ना भी करना, क्योंकि फखर जमान जो है ना उसने एटलीस्ट ये प्रूव कर दिया कि टेक्निकली जो है ना उसमें कोई फ्लॉज नहीं है, शजील में कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी हैं, और मेरे ख्याल से उसको अगर चांस दें तो किसी या तो इस सीरीज को कंफर्म जीतने के बाद दें या फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दें, तो अभी डायरेक्ट उसको ले आना एक बड़ी टीम के अगेंस्ट मेरे नहीं ख्याल के एक ठीक डिसीजन होगा। चले बिल्कुल, आई बिलीव कि उसको चार में से एक आध मैच जरूर खिला देंगे डिपेंडिंग अपॉन सीरीज रिजल्ट। चले फाइनल थॉट्स तैमूर, मैच किस तरह जाता नजर आ रहा है अगर हम जनरल बात करें एज अ न्यूट्रल, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका? इट विल बी अ टफ कंपटीशन, बट आई थिंक पाकिस्तान साइड इज मोर डोमिनेटिंग और 55-45 टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड। जी अमान आप क्या कहेंगे? मैं भी इसी तरह 64, अगर टॉस अगर साउथ अफ्रीका हार 60-40 मैच और क्या रिजल्ट आता है, और सीरीज में इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।